आपका एल्बो जो है वो ना मुड़ा रहे, इसके लिए क्या करेंगे, हाथ को और इस तरीके से लपेट दें ऐसे। तो मुझे यहाँ पर मिल गया एक एक्सटेंशन। और अगर आप यहाँ तक सिर्फ होल्ड करने में कंफर्टेबल है, होल्ड करें। अब जिनके घुटने में दर्द है वो अपने माथे को ना उठाएं, बाकी के सभी लोग सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। दोस्तों आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी किस तरीके से आप करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास, या इंग्लिश में इसे रिक्लाइंड हैंड टू बिग टो पोज के नाम से जानते हैं। इस पोस्चर का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वैसे तो इस पोस्चर्स के बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन जो मुख्य मेजर बेनिफिट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर इसका अभ्यास निरंतर करते रहें आप, तो आपको जो बैक पेन है वो परेशान नहीं करेगा, स्पेशली आपका लोअर बैक पेन वो परेशान नहीं करेगा। अगर आपको पैर में दर्द रहता है तो पैर का दर्द भी धीरे धीरे कम होगा। साइटिका पेन वालों के लिए, जिनको साइटिका का पेन डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा मददगार है। साथ ही ये आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, काफ की फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी। साथ ही इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके गर्दन और कंधे पर भी देखने के लिए मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली बात तो इस आसन को मैं स्टेप बाई स्टेप पूरी टेक्निक बताऊंगी। इस आसन को तीन तरीके से कैसे करते हैं, सुप्त पादंगुष्ठासन 1, सुप्त पादंगुष्ठासन 2 और सुप्त पादंगुष्ठासन 3। और ज़रा ठहरिए, यहीं तक ख़त्म नहीं हुई चीज़ें। मैं बताऊंगी कि अगर ऐसे लोग इस पोस्चर का अभ्यास करें जिन्होंने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, जैसे कंप्लीट बिगनर है या ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके नी में या हिप में बड़ा पेन होता है और वो पैरों को सीधा नहीं कर पाएंगे, या कि फिर ऐसे लोग जिनके पैरों में बहुत स्टिफनेस है, बहुत टाइटनेस है, चाहे हैमस्ट्रिंग्स ले लें, चाहे आपकी लोअर बैक ले लें, बड़ा ही स्टिफनेस टाइटनेस रहता है ना, तो वो भी आसानी से एक योगा स्ट्रैप या दुपट्टे की मदद से कैसे इस पोस्चर का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये लाल कलर का बटन है ना, तो नीचे वीडियो में लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। और साथ ही मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक करते हुए जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप सुप्त पादंगुष्ठासन का अभ्यास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पोस्चर को लेट कर करना है, सो कर करना है सुपाइन पोजिशन पर। इसके अभ्यास के पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरीके का स्ट्रैप ना मिले तो आप किसी दुपट्टे का इंतज़ाम करके रखिए, क्योंकि मैं आगे इसका इस्तेमाल करके आपको सारे के सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो पहले बिना स्ट्रैप का इस्तेमाल किए हुए हम क्या करेंगे, आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे, बहुत आराम से, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके। किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन शरीर के किसी भी हिस्से में ना रखें। अपने पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और दोनों पाम्स को बॉडी के ऐसे साइड में रखें और छत की तरफ देखें। अब क्या करें कि अपने राइट पैर को घुटने से मोड़े ऐसे, और फिर राइट पैर का जो बड़ा अंगूठा है ना, ये टो है ना, इसको पकड़ना है। इसको पकड़ने के लिए आपके हाथ की दो उंगलियां, आपके हाथ की बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और थंब, इन तीन उंगलियों का इस्तेमाल होगा। तो क्या करें कि इस तरीके से एक हुक टाइप से बना लें और इससे अपने पैर का जो अंगूठा है इसको पकड़ लें, छत की तरफ देखें, और जो लेफ्ट पाम है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें ऐसे। फिर उसके बाद धीरे 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 जितने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है इतना खोलें, और अगर आप अपने पैरों को ऐसे सीधा कर देते हैं तो इस तरीके से, अगर आप पैर को ऐसे सीधा कर देते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे तो, वरना आप रुक जाइए, मैंने जो स्ट्रैप का आपको बताया था इस्तेमाल करना वो बताऊंगी। और छत की तरफ देखिए। जब आप इस तरीके से पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा ना कि आपकी पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग्स पर, ये पूरी की पूरी जगह, आपके काफ मसल्स यानी पिंडलिनी और आपके थाई और आपके हिप्स पर, पूरे के पूरे हिप्स पर, यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। लेकिन इसको क्या करना है कि कोशिश करें कि घुटनों पर ज़्यादा टेंशन ना लाएं। जिनको अगर घुटने का दर्द है उनको तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है अभ्यास।
हल्का सा अगर घुटने को बेंड कर सकते हैं बेंड कर लें और छत की तरफ देखें, आपके पैर का पंजा जो है वो पूरी की पूरी सीलिंग की तरफ है। लेफ्ट पैर को ऐसे नहीं कि उठा लीजिए या ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मत कीजिए, लेफ्ट पैर को पूरा सीधा करिए और लेफ्ट पाम को अपनी थाई के ऊपर रखिए। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, सांस लीजिए गहरी लंबी नाक से और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने नाक को अपने राइट घुटने की तरफ ऐसे लेके आएं और पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग को रोके 5 से 10 सेकेंड और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड को अपने ड्रॉप कर दें और फिर उसके बाद अपने पैर को भी ऐसे ड्रॉप कर दें। अब हमने ये अभ्यास अपने राइट पैर से कर लिया, इसी अभ्यास को अब हम अपने लेफ्ट पैर से करेंगे। अब लेफ्ट पैर से देखें, राइट पाम को ऐसे राइट थाई के ऊपर रख दिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, अपने लेफ्ट हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अपने लेफ्ट पैर का बड़ा अंगूठा पकड़ लिया। अब इस हाथ को थाई के ऊपर इसलिए रख रहे हैं ताकि थाई ना उठ जाए, मतलब राइट पैर ना उठ जाए, राइट पैर पर ऐसा दबाव रहे। फिर धीरे से सांस लेते नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस तरीके से आपने अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर दिया। तो ये जब पैर आपका सीधा हो गया ना, लेफ्ट पैर सीधा हो गया, तो आपकी एड़ी और आपका पैर का पंजा कहाँ है, छत की तरफ है। घुटनों पर आपका काफ़ी अच्छा असर दिख रहा है और हैमस्ट्रिंग्स पर भी बहुत अच्छा खिंचाव मिल रहा है और पूरा का पूरा इफेक्ट आपकी लोअर बैक पर जा रहा है। जिनको साइटिका का पेन होता है ना, इस प्रैक्टिस से आपके उस साइटिका के पेन में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर उसके बाद सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने माथे को अपने घुटने की तरफ ऐसे लेके जाएं, ऐसे, और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड को ड्रॉप कर दिया और पैर को भी ऐसे रिलीज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि बहुत से लोगों को सर को उठाना बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, तो आप इसका अभ्यास हाफ भी कर सकते हैं। कैसे, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा इस तरीके से, राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लिया और धीरे धीरे, अगर पैर पूरा ना खुले कुछ दिनों तक, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जैसी भी हो, तो हल्का सा स्लाइटली ऐसे घुटना बेंड भी कर ले और यहीं पर पोस्चर को होल्ड करें। और पिछली प्रैक्टिस में कैसे मैंने बताया था ब्रीदिंग का, अब यहाँ पे आप चाहें तो इस पोस्चर को आप कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक ऐसे रोक के रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें इस तरीके से। घुटना सीधा हो जाए तो सीधा करें और अगर हल्का सा बेंड है तो कोई बात नहीं, और इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, छत की तरफ देखें ऐसे। तो ये तो हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ये अभ्यास कम से कम, अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है तो कम से कम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड रोके। अगर आप सांस ले रहे हैं फिर सांस रोक रहे हैं, सांस छोड़ते हुए सांस रोक रहे हैं, तो उस केस में 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और 3-3 बार अभ्यास कर लें, तो फिर उसके बाद बहुत सही हो गया। तो ऐसे इस तरीके से अपने राइट पाम को थाई पर रखा और ऐसे ब्रीद करते रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे 30-60 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखा। तो ये तो हो गया सुप्त पादंगुष्ठासन A या 1। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट किया जाता है। चूंकि इन क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आप आसानी से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, तो घबराइएगा नहीं, हर एक प्रैक्टिस को मैं बड़ी आसान तरीके से बताती हूँ जिससे हर एक स्टूडेंट आसानी से उसको कर ले। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है फिर भी आप घबराइए नहीं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी की समस्या, PCOD, PCOS, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या, अत्यधिक डिप्रेशन, स्ट्रेस की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, ओवरथिंकिंग की समस्या, ऐसी समस्याओं में योग बहुत ही ज़्यादा आपको मददगार साबित होगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसी समस्याएं थी, उन्होंने कुछ वक्त तक योग का अभ्यास किया और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत से लोगों की तो दवाइयां भी बहुत हद तक कम हो चुकी है।
इसके अलावा अगर आप ये जूम क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए कुछ योगा कोर्सेज हैं, उनको आप परचेज करके अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी वक्त इन वीडियोस को आप ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बार ये कोर्स परचेज कर लेते हैं ना, तो आपको पूरे साल भर की वैलिडिटी मिलती है, और आप कितनी बार भी इसका अभ्यास करते रहें, इन कोर्सेज को जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तो आप कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन कोर्सेज और जूम क्लासेस के बारे में और भी जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.yogawithshahida.com पर आप विजिट करें। अगर वेबसाइट नहीं विजिट कर रहे हैं तो आप एक व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये तो हमने कर लिया सुप्त पादंगुष्ठासन का अभ्यास बिना स्ट्रैप के। लेकिन कुछ लोगों के घुटने में बहुत दर्द होगा, हिप जॉइंट्स बहुत टाइट होंगी, और उनको उनके लिए घुटने को ऐसे सीधा कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रैप की मदद से अभ्यास करेंगे। तो इस स्ट्रैप को आप, ये स्ट्रैप की लंबाई काफ़ी अधिक है, आप चाहें तो एक दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइट पैर पर। इस तरीके से ध्यान दें कि ये स्ट्रैप को ना तो अंगूठे पर ऐसे फंसाएं, ना तो एड़ी पर फंसाएं, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला भाग है ना, यहाँ पर ऐसे फंसाएं। और फिर उसके बाद धीरे से अपने हाथ को एक बार ऐसे लपेट लें इस स्ट्रैप पर, और जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस हिसाब से अपने पैर को धीरे 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 ऐसे सीधा करें। जब आप ऐसे पैर को सीधा करेंगे तो आपका एल्बो जो है वो ना मुड़ा रहे, इसके लिए क्या करेंगे, हाथ को और इस तरीके से लपेट दें ऐसे। तो मुझे यहाँ पर मिल गया एक एक्सटेंशन, और अगर आप यहाँ तक सिर्फ होल्ड करने में कंफर्टेबल है होल्ड करें। अब जिनके घुटने में दर्द है वो अपने माथे को ना उठाएं, बाकी के सभी लोग सांस लें, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को भी माथे की तरफ ऐसे लेके आए, होल्ड करें पॉस्चर को भी और ब्रीदिंग को भी, और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड ड्रॉप कर दें। यही अभ्यास जब हम लेफ्ट पैर से करेंगे तो लेफ्ट पैर के पंजे को भी ऐसे फंसा लिया, और जितना हो सके घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। अगर स्ट्रैप इतनी भी छोड़नी पड़े तो कोई बात नहीं, जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना एक्सटेंशन ले लें, और फिर हाथों को ऐसे लपेट दिया है, और फिर धीरे से इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको होल्ड करें 30-60 सेकेंड। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो फिर सांस लें, और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं ऐसे, और फिर उसके बाद अपने पैर को रिलीज कर दें और फिर रेस्ट करें। तो ये तो हो गया सुप्त पादंगुष्ठासन ए या वन का अभ्यास सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के साथ। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुप्त पादंगुष्ठासन 2 या B। इसको भी करना बड़ा आसान है, पहले बिना स्ट्रैप की मदद से देखते हैं। आप कोशिश करें कि जितना हो सके बिना स्ट्रैप की मदद से अभ्यास करें, और अगर फिर स्ट्रैप की ज़रूरत पड़े तो फिर हम स्ट्रैप की मदद भी लेंगे। राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया, ठीक है, ऐसे राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया। अब राइट पैर के अंगूठे को वापस से उसी तरीके से जैसे बताया था वैसे पकड़ लिया, लेफ्ट पैर को ऐसे, लेफ्ट पाम को लेफ्ट पैर पर रखा, घुटने को ऐसे धीरे धीरे सीधा किया, ऐसे छत की तरफ देखा, सांस लिया, और सांस छोड़ते हुए इसको राइट पैर को राइट कंधे की तरफ धीरे 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 ऐसे ड्रॉप करेंगे इस तरीके से ऐसे, और छत की तरफ देखेंगे ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, कम से कम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड रोके, और फिर धीरे से अपने पैर को फिर से सीलिंग की तरफ कर लें। और अगर ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए अपने राइट पैर को राइट कंधे की तरफ ड्रॉप किया, और सांस को रोकिए यहाँ पे कम से कम 5 से 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैर को वापस से सीधा कर दें और अपने पैर को रिलीज कर दें। ये उस केस में जब आपके हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल हो और आप बिगनर नहीं हैं, घुटने में किसी भी तरीके का दर्द नहीं है। अब हम इसी अभ्यास को स्ट्रैप की मदद से अभ्यास करेंगे, ठीक है। स्ट्रैप की मदद से, स्ट्रैप को फिर से ऐसे हमने फंसा लिया,
और जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना धीरे धीरे एक्सटेंशन, तो मैंने चाहे इतना ले लीजिए चाहे इतना ले लीजिए, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब हाथ को ऐसे धीरे धीरे आपने ऐसे मोड़ लिया, एल्बो से मोड़ लिया, और फिर उसके बाद राइट हाथ से आपने अपने राइट पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे राइट कंधे की तरफ आप अपने पैर को ड्रॉप करेंगे, ऐसे 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 कंट्रोल के साथ धीरे 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 ऐसे इस तरीके से ड्रॉप कर दे लेफ्ट पाम को ऐसे। तो ये इतना आसान तो नहीं होगा, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना इस तरीके से कोशिश करें कि हाथ जो है एल्बो से ऐसे सीधा रहे, ऐसे ऐसे मुड़ा ना हो, ऐसे मुड़ा ना हो, तो हाथ जो है आपकी एल्बो से सीधा रहे इस तरीके से और सीलिंग की तरफ देखें, और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा किया और फिर उसके बाद पैर को रिलीज कर दिया। यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड से करेंगे जब, तो आप वापस से दोनों पैरों को सीधा कर लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा और फिर उसके बाद सीधा किया सीधा किया सीधा, अगर इतना सीधा हो सकता है तो इतना सीधा करें, इतना सीधा हो सकता है इतना सीधा करें, अगर पूरा सीधा हो सकता है तो इसको पहले सुप्त पादंगुष्ठासन वन किया, अपने माथे की तरफ खींचा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट पैर को, अब देखिए इस केस में मैंने अभी सपोर्ट तो लिया नहीं है तो मेरे पैर को सीधा किया हुआ है और ऐसे मैंने ऐसे फ्लोर पर लगा दिया है, इस तरीके से फ्लोर पर लगा दिया है, पूरा सीधा किया है। अब इसमें दोनों एल्बो और दोनों पैर भी सीधे हैं, जब इस तरीके से सपोर्ट लेना हो आपको तो आपने स्ट्रैप फंसाया और स्ट्रैप को फंसाने के बाद आपको अगर इतना एक्सटेंशन लेना है इतना एक्सटेंशन ले और हाथ को ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमा लें, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़े ऐसे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए इसको भी ऐसे ड्रॉप कर दे, कोशिश करें एल्बो अगर मुड़ रही है तो फिर से इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर दे और छत की तरफ देखें। अब इसका अभ्यास भी आप तीन तीन बार कर लें। तो हमने दो अभ्यास सीख लिए, सुप्त पादंगुष्ठासन वन, सुप्त पादंगुष्ठासन टू। अब हम अभ्यास कर रहे हैं सुप्त पादंगुष्ठासन थ्री का। ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा लेकिन घबराइएगा नहीं, स्ट्रैप की मदद से आप इस अभ्यास को भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब आराम से अपनी योगा मैट पर फिर से हम लेट गए, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख दिया। तो अब पिछले अभ्यास में हम अपने राइट पैर को राइट हाथ से पकड़ रहे थे और लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ से ऐसे पकड़ रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे को राइट हाथ की जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उससे पकड़ेंगे, सांस लेते हुए धीरे 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 लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा किया इस तरीके से, पहले सेंटर पे 90 डिग्री, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अब लेफ्ट पैर को राइट कंधे की तरफ ऐसे धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप करेंगे, ऐसे जब ऐसे आप ड्रॉप करेंगे तो राइट पैर को पूरा सीधा रखिए और छत की तरफ देखें, छत की तरफ देख, कोशिश करें कि आपका पैर जो है कंधे के लेवल तक हो ऐसे, और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे छत की तरफ उठाया और फिर इसको रिलीज कर दिया। तो सांस लेते हुए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए पैर को ड्रॉप किया, सांसों को रोका, फिर सांस लेते हुए पैरों को रिलीज कर दिया। अब अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे आप तो यही अभ्यास आप क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, अभी ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट नहीं कीजिए, ऐसे और फिर उसके बाद धीरे 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 इसको लेफ्ट पैर को राइट कंधे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इसको कम से कम 30 to 60 सेकेंड होल्ड करके रखें ऐसे। अब इसी अभ्यास को जब आप स्ट्रैप की मदद से करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाथ मतलब आपके हैमस्ट्रिंग्स इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, तो आप क्या करें, तुरंत अपने स्ट्रैप को ऐसे फंसा लें इस तरीके से। फंसाने के बाद वही जो मैंने टेक्निक बताई थी कि जितना आपको एक्सटेंशन लेना है ले लें, ऐसे इस तरीके से ले लें, राइट पैर को सीधा कर लें
और हाथ को ऐसे घुमा लें। अब लेफ्ट पैर है तो इसको राइट हाथ से ऐसे पकड़ेंगे स्ट्रैप को, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन जितना हो सके ले। और मैंने ऐसे हाथ को घुमाया ताकि मेरा हाथ जो है कुहनी से, एल्बो से मुड़ा हुआ ना रहे, और इसको एक्सटेंशन के साथ इस तरीके से ड्रॉप कर दें राइट साइड। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी और कम है तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं, इतना इतना करके ऐसे, मान लीजिए कि किसी का पैर ऐसे खुल नहीं रहा है तो इसने इतना एक्सटेंशन ले लीजिए और इसको लेफ्ट राइट साइड ऐसे ड्रॉप कीजिए इस तरीके से, और फिर धीरे से सांस लेते हुए धीरे 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 अब इसको 90 डिग्री ऐसे लेके आइए और फिर इसको मैट पर ड्रॉप कर दीजिए। अब ये अभ्यास हम दूसरी साइड एक बार करते हैं, ठीक है। तो आराम से मैट पर लेट गए। जब भी अभ्यास आप राइट साइड करें तो वही अभ्यास लेफ्ट साइड भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि एक साइड कर लिया और दूसरी साइड छोड़ दिया। अब राइट पैर को उठाया 90 डिग्री, अभी बिना किसी सपोर्ट से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लिया और धीरे धीरे पैर को ऐसे सीधा किया, और फिर लेफ्ट हाथ से अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे अपने कंधे की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें इस तरीके से, ऐसे, और छत की तरफ देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें ऐसे, और जब ब्रीदिंग को ध्यान देना है तो कैसे करेंगे, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इसको ड्रॉप किया, सांसों को रोक के रखा 5 से 10 सेकेंड जितनी आपकी क्षमता हो, और फिर उसके बाद सांस लेते हुए वापस से छत की तरफ एंड रिलीज कर दें। सेम अभ्यास आप स्ट्रैप के साथ भी कर सकते हैं इस तरीके से, जितनी आपको ज़रूरत है एक्सटेंशन की उतना लें, अगर एक्सटेंशन इतना लेना है इतना लें, ताकि पैर एटलीस्ट पूरा सीधा खुल सके। इस तरीके से आपने ड्रॉप कर दिया, तो जब आप स्ट्रैप या दुपट्टे की मदद से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। फिर उसके बाद इसको सीधा कर लें और फिर ऐसे अपनी स्ट्रैप को हटा दें। अब जब आप इसका अभ्यास भी कर लें, लाइक सुप्त पाद अंगुष्ठासन का 3 का भी अभ्यास कर लें, तो आप एक काउंटर स्ट्रेच करेंगे, काउंटर पोज करेंगे, पवन मुक्त आसन, थाई को बेली की तरफ लेके आए, क्योंकि सामने साइड इस तरीके से जब आप खींच रहे थे पैरों को तो काफ़ी टेंशन हो गई होगी, और पवन मुक्त आसन के अभ्यास से भी आपको लोअर बैक पर बड़ी अच्छी मसाज मिलेगी। तो ऐसे थाई को बेली की तरफ लेके आए और ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें, और चाहे तो इस तरीके से थोड़ा सा झूल लें, ऐसे स्विंग करें, ऐसे स्विंग करें, इससे पूरी स्पाइनल कॉर्ड को हल्की मसाज मिल जाएगी। और जब ये अभ्यास कर लें तो जो ये स्विंग करना है कम से कम 8 से 10 बार स्विंग कर लें, ज़्यादा नहीं, और बहुत झटके से भी ना करें, और फिर उसके बाद पैरों को सीधा कर लें और शवासन में लेट जाएं। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कितनी आसानी से सिखाया सुप्त पादंगुष्ठासन 1, 2 एंड 3 विदाउट एनी सपोर्ट, या कि फिर दुपट्टे या स्ट्रैप की मदद से आप कर पाएंगे। आशा करती हूँ मेरा प्रयास आपको खूब पसंद आ रहा होगा और आसानी से इन आसनों का अभ्यास अब आप कर पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही जल्दी उस सजेस्टेड टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। इसके अलावा जाने से पहले आपने जब वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखें और निरंतर योग अभ्यास करते रहें। नमस्ते।